अपनी पूरी लाइफ में मैंने लिविक मैच सबसे पहले तब खेला था जब वो लिविक मैप आया था एक बार, और दूसरी बार अब मैं खेल रहा हूँ। ये मेरे लाइफ का सेकंड टाइम है जब मैं लिविक मैप खेल रहा हूँ। और भाई इस वाले मैच में लेवल 7 का फैरो येलो मम्मी सूट वाले बंदे आए हुए थे, और लेवल 7 के फैरो वाले टीम से तो हमारी एक बार नहीं दो बार फाइट होती है। अब मैं लिविक मैच क्यों खेल रहा हूँ, मैंने जैसे कि आप लोग को बताया था वो चिकन डिनर और विश कम ट्रू वाला जो अचीवमेंट है जिसमें 7 चिकन डिनर हमें करने होते कंटिन्यूसली, तब जाके हमारा 8th चिकन डिनर में वो खतरनाक वाला सीन होता था। यहाँ पे देख सकते हो हमने पहले तो 4 चिकन किए थे, फिर उसके बाद मर गए हम लोग, देन उसके बाद हमने 5 चिकन किए, देन उसके बाद फिर सेकंड आ गए। भाई इतना फ्रस्ट्रेटिंग था। देन उसके बाद हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे डिसाइड किया आप ढंग से खेलेंगे, स्ट्रेटजी बना के खेलेंगे, तो यहाँ पे 6 चिकन के और सातवें में #2 आ गए। भाई लिविक में इतना दुख और दर्द, आप लोग भाई यकीन नहीं करोगे। 3 चिकन के बाद मरे, फिर 4 चिकन के बाद मरे, फिर 5 चिकन के बाद मरे, फिर 6 चिकन करने के बाद मरे। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे लगातार भाई 8 चिकन डिनर कर दिए, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ हो गया भाई स्कैम। हमें बाद में पता चला कि लिविक के अंदर वो अचीवमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती, वो अचीवमेंट सिर्फ एरेंगल में हो सकती है। तो फाइनली हमने एरेंगल में भी 3 कंटिन्यूसली चिकन अभी तक कर लिए, इसके 2 गेम प्लेस मैंने डाल दिए, तीसरा मैं डाल दूंगा इसके बाद। तो भाई लिविक में तो भाई जो कटा है ना हमारा, पहले तो मैंने लिविक कभी खेला नहीं था, तो स्ट्रेटजी बिल्ड करने में हमें कई बार ये मैप खेलना पड़ा और कई बार हम लोग मरे यहाँ पे। भाई लिविक मैप भाई हाई टियर पे जो इंटेंस रहता ना, यहाँ पे तो बंदे स्पॉट करना लिटरली इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इतनी घास, इतने पेड़, इतने सारे पहाड़ पर्वत हैं कि कोई भी बंदा कहीं पे भी लेटा रहता है भाई, और इतने खतरनाक और डेंजरस बंदे आते हैं ना, मुझे तो लगा था लिविक मैप ऐसा ही है ऐसे वैसे, लेकिन लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटेंस मैप है लिविक। और यहाँ पे जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई, तो कामे टावर इसको बोलते हैं, ये आपके ड्रैगन बॉल जी मोड में आया हुआ है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लूट वगैरह मिलती है अपने टीममेट्स के लिए, फ्लोटिंग वगैरह कामेहा वगैरह कलेक्ट करता हूँ, मेरे टीममेट्स पीछे साइड नीचे उतरते हैं जहाँ पे वो हॉट ड्रॉप पे उतरते हैं, और वहां पे वो उनका काम रहता है ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करना, और मेरा काम रहता है यहां पे आके उनके लिए लूट मतलब फ्लाइंग वगैरह ये सब चीजें कलेक्ट करना, और अगर वहां पे कोई टीम आ जाती है वो मर जाते हैं तो उनको जाके रिकॉल करना, और अगर यहां पे वो लोग बच जाते हैं तो मैं वहां से डायरेक्ट जंप करके ड्रैगन बॉल जैसे मेरे टीममेट्स कलेक्ट कर लेते हैं, मुझे यहां पे डायरेक्ट आना होता है जहां पे ड्रैगन बॉल्स रख के हम लोग सिंड्रोन बुला के विश मांग सकते हैं। देन उसके बाद वहां से विश मांगने के बाद हम लोग आते हैं इस जगह पे जहां पे हमें मिल जाता है रिकॉल कार्ड। पूरी टीम के पास रिकॉल कार्ड हो चुका है, विशेष हो चुकी है, लूट हो चुकी है। अब यहां से हम चालू करते हैं मेन फाइट स्टार्ट। तो ये स्ट्रेटजी हम लोगों ने यूज करी, एंड फाइनली इतने सारे लिविक के अंदर इतनी इंटेंस लॉबी में चिकन किया। तो यहाँ पे भाई ये सब करते टाइम बहुत सारे बंदे लगभग आधे बंदे मर भी जाते हैं, तो चिकन डिनर के हम लोग काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक बंदा मारा और पीछे की साइड एक और बंदे के फुट्स आए, लेकिन ये आई थिंक सो बॉट अंकल थे, ये बंदा नहीं थे, बॉट अंकल थे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोग को लिविक मैप के भी गेम प्लेस वगैरह चाहिए नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड टाइम सेंडॉन को जो है तो समन किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं पीछे मुआयना करने के लिए, और तभी ये पहाड़ पे देखो ये कैसे लेटा हुआ है भाई बंदा। अब ये बंदा मुझे उस टाइम पे नहीं स्पॉट हुआ था, उस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पे स्पॉट नहीं हुआ था, मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गया था ये की, तो मैं नीचे उतरा तभी सामने मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। भाई जब मैं यहाँ पे आया तब मुझे यहाँ पे वो बंदा स्पॉट हुआ, और मैंने यहाँ से कामेहा में यहाँ मारा, लेकिन भाई वो बंदे ने MK से मुझे नॉक कर दिया। इस बंदे का नाम पढ़ो भाई, कितना ज्यादा बड़ा नाम है भाई। हमारे लिविक के चिकन डिनर तो इतने सारे, कम से कम 20+ चिकन डिनर हम लोगों ने किए, वो सब बर्बाद हो गए। लेकिन एरेंगल के अंदर क्या लगता है आप लोगों को, क्या हम लोग सुपर सेंड्रॉन ड्रैगन को बुला पाएंगे? जैसे कि जिन लोग को भी नहीं मालूम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लेकिन इस बंदे को पहले मार देते हम लोग। कहाँ जा रहे हो भाई मुझे नॉक करने के बाद, कहाँ भाग के जा रहे हो? एक चाटा पड़ा इसको, भाग के जा रहा है ये तो, अभी कैम करके मारने आया था वो कहाँ से।
भाई इसका नाम इतना बड़ा कैसे है भाई, मेरे को तो यहीं पे कंफ्यूजन है, इसका नाम ऐसे कैसे हो सकता है भाई। 14 लेटर्स 14 कैरेक्टर्स का जो तो लिमिट रहता है भाई। आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट्स में बताना, जिनको भी नहीं मालूम है तो यहाँ पे हमको 7 चिकन करने होते हैं मोड में, ड्रैगन बॉल जी मोड के अंदर, और उसके बाद 8th मैच में हमको ट्रॉफी मिलती है, और ट्रॉफी से हमें जो है तो सुपर सेंड्रॉन ड्रैगन को बुलाना होता है, और पूरी लॉबी हमें मारने के लिए पीछे पड़ जाती है, और 7 ड्रैगन बॉल्स पूरे मैप में बिखरी रहती है, जिनको कलेक्ट करने के बाद हम सुपर ड्रैगन को बुलाते हैं, और उस टाइम पे हमें सारे पूरे लॉबी के बंदे मारने के लिए ढूंढते हैं और भाई कुत्ता बना के मारते हैं। अब ये पूरी पूरी टीम आई, कामेहामेहा निकाला मैंने, ओ भाई एक एक कामेहामेहा में 3 बंदे नॉक, क्योंकि यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने इनको डैमेज भी कर दिया था, और पीछे साइड से विक्की ने भर दिया इनके लास्ट टीममेट को, और इसी के साथ ये वाला स्क्वाड तो भाई लिटरली खत्म ही हो गया बहुत ही आसानी से। तो हाँ मैं कहाँ था, वहाँ पे आप लोग को 8th मैच में जैसे ही आप चिकन मतलब वो करोगे समन करोगे ड्रैगन को, ड्रैगन आएगा और जितने भी उस लॉबी में बंदे होंगे वो सारे के सारे बंदे एक साथ मर जाएंगे, और आपका चिकन डिनर हो जाएगा, और आपको एक टाइटल मिल जाएगा विश कम ट्रू का, और ये बहुत ही खतरनाक टाइटल है भाई लिटरली, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड टू गेन टाइटल है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हम लोग ये टाइटल अचीव कर पाएंगे, क्योंकि भैया जब आपको मारने के लिए पूरी लॉबी पीछे पड़ती है ना तो गलत ही सीन होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसे हम आए नीचे हमारे एक बंदा था, मैंने कहा मैं यहाँ यूज़ किया, बंदा नॉक, तो मैं यही चीज बता रहा था, सामने मैंने 2 बंदे नॉक किए, लेकिन इनका टीममेट भैया देखो कहाँ पे है भाई साहब। और लिटरली अगर आपको कामेहामेहा का यूज करना आता है तो जो ही वॉल के आर पार आप इनको मार के भर सकते हो भाई, वॉल पत्थर के आर पार, मतलब एक वॉल या एक पत्थर एक पेड़ के पीछे आप इजिली इनको मार सकते हो, और भाई बहुत ही ज्यादा ओपी। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है, हवा में आप मूव नहीं कर सकते उस टाइम पे, और सारे बंदों को आपकी पोजिशन पता चल जाती है। फिलहाल के लिए वो हमने चिकन डिनर कर लिया, देन उसके बाद अब फाइनली यहाँ पे ये मैच है जिसमें भैया आया हुआ लेवल 7 का फेरो एक्स सूट और साथ ही साथ येलो मम्मी सेट भी। तो वही स्ट्रेटजी हम लोगों ने यूज करी, कामे टावर पे मैं आता हूं यहां पे अपने टीममेट्स के लिए लूट सेंजो बीन्स और ये अपना जुजुत्सु लेविटेशन डिवाइस कामेहामेहा ये सब चीजें कलेक्ट करता हूं। मेरे टीममेट्स नीचे उतर जाते हैं हॉट ड्रॉप पे जहां पे उनका काम रहता है ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करना। अब यहां पे अगर नीचे टीम अलग आ जाती है और उनसे हमारे टीम की फाइट हो जाती है तो मेरा काम यहां से रहता है डायरेक्ट जाके अपने टीममेट्स को रिकॉल करना, एंड उसके बाद अगर वो लोग नहीं मरते हैं तो वो ड्रैगन बॉल जैसे कलेक्ट कर लेते हैं तो मुझे जाना होता है डायरेक्ट वहां पे एल्टर पे जहां पे सेंड्रॉन को समन करके विश मांगनी होती है मुझे। तो यहां पे मेरे टीममेट्स ने ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली, मैंने यहाँ पे अपना काम कर लिया सब कुछ, मेरे टीममेट जिंदा है तो यहाँ पे रिकॉल वाला प्लान हमारा कैंसिल हो गया। और लिटरली ये जो स्ट्रेटजी है ये बनाने में हमें लिविक के कम से कम 10 मैच खेलने पड़े, एक तो लिविक कभी खेला नहीं मैंने, तो भाई लिविक में होता क्या है, कहाँ पे कौन रहता है, कैसे बंदे आते हैं, ये समझने में भी बहुत टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं हमने समझ लिया। और फाइनली आपने देखा होगा 9 चिकन कंटिन्यूअसली करें हम लोगों ने, उसके लिए गाइज भले ही कट गया लेकिन उस मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइज, जो लोग नया सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने सेंड डाउन को समन किया, जो पहली विश रहती है वो हमेशा स्ट्रेंथन की रहती है जिससे हमारे उड़ने की शक्ति दुगनी हो जाती है, कामेहामेहा यूज करने की शक्ति चौगनी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉल वगैरह सब कुछ ले लिया अपना बाकायदा सब कुछ, सामने ड्रॉप था तो मैं ड्रॉप में जाने वाला था, मैंने अपने टीममेट्स को बोल दिया था वापस से ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने को, जितनी ज़्यादा विश मांग सकते हो उतनी ज़्यादा विश मांगो। अब यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉप पे गया सामने एक बंदा स्पॉट हुआ और ये असली बंदा था भाई साहब, रिकॉल के साइड से आई थिंक सो जोन के अंदर आ रहा था, इसको मैंने नॉक किया, मुझे लगा इसके टीममेट्स होंगे यहाँ आसपास, लेकिन ये भैया यहाँ पे हो गए फिनिश। उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रॉप आके लूटता हूँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मोड के अंदर भाई सेंजो भी, 9 अगस्त को अपना BGMI के अंदर ये वाला मोड आ जाएगा, तो भाई मैं आप लोगों को पहले से ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ सब कुछ सिखा रहा हूँ, तो जैसे ही मोड आएगा भाई एकदम बूम बाम कर देंगे अपनी साइबर आर्मी। तो भाई नॉर्मल बंदों को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, अपनी साइबर आर्मी तो उड़ उड़ के जो कामेहामेहा मारेगी बंदों को गलती होगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को समन करना था सेंडॉन, लेकिन भाई हमसे पहले किसी और टीम ने कर दिया समन, और वहां पे पीछे के साइड समन हुआ था वहीं पे हम जा रहे थे, जोन के अंदर भी था, इन लोगों ने विश भी मांग ली और यहीं पे अब हमारी फाइट होने वाली थी लेवल 7 के फेरो और मम्मी सेट से।
बैरो को मैंने यहाँ पे डैमेज किया, घंटा बैर हो गया। स्पाइडर ने यहाँ पे नॉक कर दिया फैरो को। अब यहाँ पे भाई हर तरफ से फायर हो रहा है, हर तरफ से कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन बंदा कहाँ है। मैं फैरो के पास आया, बोला भाई तू कंटेंट दे दे यार। Watch out. एक बंदा रिकॉल हो गया है। इनको मारो। अब यहाँ पे दूर से किसी बंदे ने विक्की को नॉक कर दिया और उसके बाद ये बंदा इनका एक भाग के चला गया और एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया। फैरो वाले बंदे रिकॉल हो चुके थे। यहाँ मैंने अपने टीममेट्स को बोला कवर में रहो गाइस, चिकन डिनर पे हमें फोकस करना है। स्पाइडर और विक्की दोनों को दोनों नॉक थे, जल्दी से हम लोगों ने रिवाइव देना शुरू किया क्योंकि भाई ये आई थिंक मेरा पांचवा या छठवां चिकन डिनर था जब इतना हमारा सीन हो गया था। हमें मेरे लगा कि भैया इस बार भी गया काम से सब कुछ। अब भाई ये लास्ट वाला बंदा क्या था भाई, पैनिक था कि क्या था कि भाई फायर नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन भाई ये लास्ट वाला बंदा बड़े आराम से मर गया। अब एक्सट्रीम जोन के बाहर पता नहीं कैसे मर गया, वो बोला था उसका हेल्थ फुल नहीं हो रहा था, की फुल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे भाई साहब एक्सट्रीम भैया कुर्बान हो गए। विक्की को मैंने बोला भाई रिस्क लेना नहीं है, तू डायरेक्ट हम पे आ जा, तीनों लोग एक साथ खेलेंगे और भाई फाइट लेंगे आराम से, बिल्कुल चिकन डिनर मिस नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ से उड़ के जाते हैं जोन के अंदर। पीछे मैं पूरा मुआयना करता हूँ कोई लेटा वोटा तो नहीं है। घर पे यहाँ पे बंदे स्पॉट होते हैं मेरे टीम मेट्स को। अब यहाँ पे फैरो ने मुझे अच्छा खासा डैमेज कर दिया था, विक्की ने मम्मी सूट को नॉक कर दिया था, फैरो नीचे कूद के भागा और भाई पीछे से कोई और मुझे मारने लगा। मैं यहाँ पे लिटरली 10 HP बचा। मैंने अपने टीममेट्स को बोला हील कर रहा हूँ तब तक तुम लोग सेफ रहो। 3v4 की फाइट थी यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे मस्त 69,000 IQ का यूज किया। सामने पेड़ के पीछे बंदा था, मैंने कामेहामेहा यूज किया भाई, कवर पे ही बंदा नॉक। अब पीछे के साइड से मुझे एक बंदे के फुट्स आए और एक बंदा भाई जोन से मर गया। मतलब अब यहाँ पे 3v2 की फाइट हो गई, यहाँ पे येलो मम्मी और फैरो बस बचे नीचे हमारे। क्या लगता है आपको, क्या फैरो को मार पाऊंगा, क्या ब्लड रेवन फैरो की पेटी बना पाएगा, क्या हम लोग ये चिकन डिनर कर पाएंगे या फिर यहाँ पे खेल हो जाएगा खत्म। मैं पीछे आया उड़ के। यहाँ पे फैरो एक्सूट लेवल 7 का नॉक हो गया। वैसे तो मैं घर के अंदर कामेहामेहा मारने वाला था लेकिन उसी टाइम पे फैरो बाहर आ गया और भैया मैंने इसको कर दिया नॉक। अब मैं यहाँ पे जल्दी से थंबनेल थंबनेल मैंने वहां पे बोला पीछे साइड से स्पाइडर को, तू उधर से फायर करते रहे। यहाँ पे मम्मी सूट वाले बंदे ने नीचे स्मोक वगैरह कर दिया पूरा भाई, खतरनाक। अब यहाँ विक्की ने बोला कि इसको ना भाई डैमेज देके जोन चलते हैं। मैंने कहा अरे यार ठीक है। भाई इसको डैमेज देने के चक्कर में यहाँ पे लगा मेरी पेटी बन गई भाई, उस बंदे को मैंने डैमेज किया।
उसने यहाँ पे मेरे को डैमेज किया। बाद में हमें पता चला ये मम्मी येलो मम्मी सूट नहीं है, ये कोई और ही बंदा है, मतलब ये येलो मम्मी सूट के जैसे कोई आउटफिट है। अब उसके बाद हम जोन में आ गए, हमने इंतजार किया ये बंदा आए, उड़ के आए तो हवा में मार देंगे, लेकिन ये बंदा कुछ ज्यादा ही चालाक था। भाई ये जोन ही नहीं आया, इसके पास M4 ग्लेशियर थी, आउटफिट वगैरह भी रहे होंगे इसके पास, लेकिन ये नॉर्मल आउटफिट पहन के रखा हुआ था। फिलहाल के लिए ये चिकन डिनर हो गया। भाई आप लोग को लिविक का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट्स बताइएगा। हमारा तो यहाँ पे कट गया, देखो 20 चिकन डिनर करने के बाद बहुत गंदा कटा, बहुत दुख दर्द हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एरंगल में ट्राई करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हम लोग कंटिन्यूसली 7 चिकन डिनर करने के बाद वो 8th मैच जो सबसे डेंजरस होने वाला है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, सुपर सेंड्रॉन को बुला के पूरी लॉबी डिस्ट्रॉय कर पाएंगे या नहीं, कमेंट्स बताना। मिलते हैं एक और नए कमाल के गेम प्ले में, टिल देन सन आ रहा, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।